वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में जीत के लिए पुरउम्मीद। करीबी रफ़का से क्रिकेट से मुतालिक गुफ्तगु में क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इमरान खान ने कहा कि टीम में टैलेंट मौजूद है, भारत के खिलाफ कामयाब होगी, दुआ है कौमी टीम भारत को शिकस्त दे। पाकिस्तान ने अमरीका से फिजाई हदूद के माहिदे की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में पाकिस्तान और अमरीका के माबैन अफगानिस्तान में फौजी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी फिजाई हदूद के इस्तेमाल से मुतालिक माहिदे को बाकायदा शक्ल देने के हवाले से खबरों की तरदीद करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ऐसे किसी माहिदे पर बातचीत नहीं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने अमरीका में पाकिस्तानी सफारतखाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत के खात्मे की बातें छठी बार की जा रही हैं। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में आई है। महंगाई के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज प्याली में तूफान के मुतरादिफ है। अल्लाह ने जो लिखा है वही होगा। सी पैक के दायरेकार में वसअत आती जा रही है। इंटरनेशनल प्रेस सेंटर IPC में यौमिया ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान वजारत खारजा का कहना था कि चीन को ये देखकर खुशी हुई कि CPEC ने नए नतायज हासिल किए हैं और आला मियार की तरक्की के मरहले में दाखिल हुए हैं, जो चीन पाकिस्तान दोस्ती का मजहर है और BRI के साथ ममालिक की तरक्की और खुशहाली को फ़रोग देने की एक मिसाल है। मस्तोंग में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई, 9 मुबैशरा दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई खुफिया इतला पर की गई। लाशी शनाख्त और दीगर कानूनी कार्रवाई के लिए करीबी हस्पताल मुंतकिल। तर्जुमान CTD का कहना है कि रोशी में कलदम तंजीम के जेर इस्तेमाल कैंप की इतला पर कार्रवाई की गई। ये कैंप सूबे में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हुआ था। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 26 अक्टूबर को पाकिस्तान अंजुमन ताजरान फैजाबाद में धरना देगी। हमने पहले भी शाराह दस्तूर पर मुजाहरा किया था। मुल्क भर से ताजर फैजाबाद पहुंचकर अमन एहतजाज करेंगे। इंतजामिया 26 अक्टूबर को हमें फैजाबाद धरने की इजाज़त दे। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान के 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। स्क्वाड में साबिक कप्तान सरफराज अहमद, वसीम जूनियर और मोहम्मद नवाज को शामिल नहीं किया गया। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि प्लेइंग 11 का फैसला मैच से पहले करेंगे। हमारा मोराल अप है, तमाम खिलाड़ी खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने अपनी पेंटिंग को खुद से ज़्यादा खूबसूरत करार दे दिया। उन्होंने हाल ही में अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी फनकार शाहिद रसाम का बनाया गया अपना पोर्ट्रेट शेयर किया। उन्होंने शाहिद रसाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुझे इस खूबसूरती से पेंट करने का शुक्रिया। और लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज और कल रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरावाला, सरगोधा, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर, शेखोपुरा में बारिश का इम्कान है।